और एक बात आपसे शेयर करनी थी कि ये जन्नत को गर्म पानी की टूटी लगा दी हमने, लेकिन जन्नत कह रही मज़ा नहीं आ रहा, फिर कल इसे सेट करके दी थी, तो ये गर्म पानी की टूटी भी आपसे शेयर कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो जन्नत भी आ गई है, जन्नत जी अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह ताला खुश रखे, बाद रहो, खुशियां ना रहो, आमीन ये सवाली कीती रखो आमीन। जन्नत जन्नत बहुत खुश वाले। है हाँ कि जी आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं, जी हाँ, तो जन्नत बहुत खुश है। अल्लाह ताला खुश रखे, खुशियां हाँ, ना रहो, ते असी भी क्योंकि इन उन्होंने लोगों नाश्ता की हमें देना, मदद रोटी करनी है। मंगते पे मलक साहब ते नाश्ता चले दली दली तैयार, चले ठीक है, नाश्ता तैयार, नाश्ता आप चाय बनाएं ते चले। मैं रोटी बना लूं। सालन गरम हो गया, हाँ, क्योंकि जब आग पे हमारी हांडी बनी जाती है ना, तो काली स्याह हो जाती है, लेकिन मजबूरी है। तो फिर आज हम जाके ना दो धो के ना इसके नीचे जैसे वो पोचा भी रहा, अपने सारियां कट्ठिया रख दी है। सन नहीं रहेंगे? हाँ क्यों, कोई रात को अक्सर चोर पड़ जाते हैं, दफ्तर तो जो आए बच्चे हैं लड़के हैं वो उधर है, मतलब के हमारे उधर इधर ही रहते हैं ना, तो रात को जो चीज मिली सारा दरवाजे खुले होते हैं, जो चीज उठाई उठा के ले गए। तो मैंने कहा कि चले कोई बात नहीं, खाओ पियो। पूरा सेब खा नहीं सकते, जो हाँ, छुपान दी है तक खान दी। मैंने जन्ना से कहा कि आधा सेब पूरा खा लिया करो, कम से कम ताजा तो खाया करो ना। नहीं हो ये ना पूरा खा नहीं और मैं सकते, साथ बना रही चाय, कहाँ वास्ते नहीं खाए लेकिन पूरा खाए ताकि फायदा भी कुछ हो ना। अब मैं पानी डाल रही चाय के लिए। आज कुछ सब्जियां मैंने शेयर की हैं, सही करनी है चल। हाँ मैंने सब्जियां शेयर की है। जन्नत आप तो बाहर थी ना, जी मैंने पता चला, जन्नत को काफी कुछ मैंने सिखा दिया। मैंने कहा जब रोटी वो दस्तरखान में रखते हैं ना, तो पहले इसको तवे में थोड़ा सा ऐसे रख के गर्म कर लिया, ऐसे। तवा तो मेरा पिशौदर से आया हुआ है, कौन सी जगह, स्वाद से, मैंने स्पेशल तवा मंगवाया हुआ है स्वाद से, तो वो मेरा आ गया है, वो मैं इंशाल्लाह कल चली जाऊंगी तो वो आपसे जरूर शेयर करूंगी। वो बड़ा एंटीक किस्म का है, चांदी रोटी रोटी खा बनावा भी के नहीं। हाँ बेशक, तो आज 10:30 बजे रहे, हमारा नाश्ता देर हो, क्योंकि हम जरा सुबह खा पी तो लेते अच्छा खासा ना है ही, हमारा चाय के साथ होता है, हलवा भी होता है, हलवा भी होता है, सेब भी पहले खाते, चाय का भी होता है, इसलिए थोड़ा सा हम देर से नाश्ता करते हैं। तो ये सारी बातें शेयर कर लेते हैं, और कौन सी खास बात होती नहीं है, ये खाया पिया बातें की वो आपसे हम शेयर कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारी गंदम आज पीस के आ जाएगी, वो आटा भी दिखाएंगे आपको। तो उससे मैंने कहा था कि जनाब आटा अच्छा पीसा, बारीक मैदे की तरह नहीं, थोड़ा सा दरदरा हो, मोटा हो, ताकि जो मैदे में जाके फायदा दे नुकसान ना दे, है ना जी। तो इसमें हम रोटियां रखते हैं क्योंकि इसमें ठंडी नहीं होती, रोटियां प्लेट पे ठंडी हो जाती हैं। ये पत्तों की बनी हुई, खजूर के पत्तों में, इसमें रोटी खाना भी सुन्नत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्तों की रोटी अच्छा अच्छे खाते थे, और जो वो जो साफ होती थी ना उसी पे नमाज पढ़ते थे। तो ये खाना इसमें सुन्नत है, सुन्नत समझ के खाएं, और ज़बरदस्त इसमें रोटी ठंडी भी नहीं होती। ये आपसे कुछ बातें मैंने शेयर कर ली थी, जो कर ली हैं। इंशाल्लाह हमेशा तंदुरुस्ती के साथ रहेंगे, अल्लाह पाक तंदुरुस्ती दे, शेयर करते रहे अपनी फैमिली को, फैमिली हमें प्यार देती रहेगी, हम इंशाल्लाह तो देंगे देंगे अपने प्यारों को देखना। अब जन्नत पका रही है रोटी, धड़ा धड़ आवाज आई है, अभी जन्नत की आवाज आएगी। जन्नत जरा आहिस्ता हाथ रखना, पटक पटक, बस भी नहीं, नहीं मेरी बहन का। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाह का नाम लेकर शुरू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह, तो अब हम इसमें जरा पत्ती डालेंगे, और मेरे मियाँ चाय के बगैर नहीं नाश्ता करते, इसलिए मैं उनकी कट्ठी बना लेती हूँ। उनका बड़ा नखरा, कोई चीज वो पसंद नहीं करते, कोशिश होती है अच्छी से अच्छी चीज बनाए, तब भी मुझसे काम ले।
मैंने कहा चले निकालते रहो, हम क्या करें, जो हमसे हो रहा है हम कर रहे हैं, कोशिश तो पूरी कर रहे हैं। अच्छा जन्नत, लस्सी जी, लस्सी थोड़ी लस्सी पई है, लस्सी का लाई पई हाँ थोड़ी जी पई, और मैं अच्छा जो गुजारा करेंगे, सिर्फ दुध नहीं जमाया क्योंकि शुक्र है मैं तो वैसे नहीं पा दिता जे आने में दूध नहीं डाल दिया। कई काम तो सचन ने करने कुछ ना कुछ नुकसान है जरूर करते अब तो मैं बहुत जन्नत बदल गई हूँ। पहले तो मुझे इतनी सफाई का होता था ना कि मैं एक स्किन नहीं बैठती थी, अब तो बहुत चेंजेस आ गई है, कुछ शेप भी नहीं रही, उम्र का भी तकाजा है, ये सारी बातें मिल इंसान से क्या करें। लेकिन फिर भी इस उम्र में पूरा घर संभाला मैं माशाल्लाह, सुबह उठती हूँ और सारे घरों का चक्कर ऊपर नीचे सारा घर मैंने संभाला, जैसे बच्चियां संभालती हैं कि बूढ़ी औरत ने घर संभाला, क्या करें घर ऐसी चीज है जिसे छोड़ा नहीं जाता, घर के जरे जरे से मोहब्बत होती है। तो मैं काफी आपसे डिस्कस भी कर लेती हूँ, मेरी छुट्टी खराब है, जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम कुछ मिट्टी के बर्तन खरीद के लाए हैं, तो इसे हमने पहले धोए हैं ताकि ये बर्तन पाक साफ हो जाए। तो पानी का प्रेशर काफ़ी है, तो ये माशाल्लाह हाँ इसमें चाय बनाएंगे। हाँ नहीं वो भी मिल गई है, हमारी एक ना वो हांडी थी बिल्कुल मैं न्यू लाई थी, तो जन्नत से मिली नहीं और मैं खुद जाके ढूंढे तो मिल गई हैं। तो ये हमारे मिट्टी के बर्तन थे जो मैंने आपसे शेयर करने थे, तो मिट्टी के बर्तन में खाओ पकाओ खूबसूरत भी लगते हैं, सेहत के लिए भी अच्छे हैं। आप देखिए हमारे प्याज, छोटे साइज़ के प्याज हैं, बड़े नहीं हैं, बिल्कुल मीडियम साइज़ के हैं ताकि जितनी ज़रूरत हो हांडी में डालने के उतना ही। और ये हमारे आलू भी बड़े प्यारे साइज़ में लाया है, आज तो बड़ी बात है वो अच्छे ले आया है। और नीचे मैंने टमाटर हरी मिर्चें डाल दी हैं, ये देखें ना। अब बर्तन भी हमारे धुले हुए हैं, दूध उबला पड़ा, इसके ऊपर मैं ना ये छन्नी दे दूंगी ताकि कोई चीज़ ना पड़े। तो मैं हो गया है हमारे अच्छे खासे माशाल्लाह सब्सक्राइब्स हो गए हैं, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो इसी तरह हमें भी हौसला अफजाई होती रहेगी, बढ़ चढ़ के काम करेंगे, मैं सबको करें सबको करें, किसी का भला हो जाए, मैं तो यही कहूँ किसी का भला हो जाए, अल्लाह ताला सबको खुश रखे, सबके लिए दुआ हुए हैं, जो मेहनत करें अल्लाह ताला जरूर उनको सिला देता।